गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कोरोना महामारी की वजह से अपने ऑनलाइन क्लासेज हैं वो सभी बंद हो चुकी है, तो आज से अपने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। माईसेल्फ कपिल बिश्नोई, मैं आपका GPB221 प्रिंसिपल ऑफ सी टेक्नोलॉजी का कोर्स ले रहा हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है सी ड्राइंग। सी ड्राइंग होता क्या है? एलिमिनेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सीड। अपने जो सीड से मॉइस्चर है उसको निकालने की प्रक्रिया को ही सीड ड्राइंग करते हैं। अपने इसमें डायरेक्ट मॉइस्चर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स होते हैं। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू इसको एलिमिनेट किया जाता है, ताकि अपने सेफ स्टोरेज तक सीड को मेंटेन कर सकें, ताकि वो अपनी वियबिलिटी और जर्मिनेशन जो उसकी कैपेबिलिटी होती है वो अपनी खोई ना। तो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड सीड ड्राइंग। सीड ड्राइंग शुड रिड्यूस द सीड मॉइस्चर कंटेंट टू सेफ स्टोरेज। अपने जो सेफ स्टोरेज कंडीशंस होती है वहाँ तक उस मॉइस्चर को अपने एलिमिनेट किया जाता है, ताकि उसकी जो लाइफ है साइकिल है वो उसको बढ़ा सकें। जैसे कि आपको पता है 1% मॉइस्चर अपने जैसे रिड्यूस करते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ होती है सीड की वो डबल हो जाती है, स्टोरेज लाइफ जो होती है वो डबल हो जाती है। और उसकी वेबिलिटी और विगर है वो भी इसका मेंटेन रखना होता है, इसमें इससे बात का भी ध्यान रखना, ताकि जो अपनी वेबिलिटी होती है और जो अपने विगर होता है वो उसका डिटीरियोरेट न हो, खराब न हो। जो सीड ड्राइंग प्रोसेस है, अगर अपने पास वेल इक्विप्ड सीड ड्राइंग प्रोसेस अपने पास इंस्टॉल है तो अपने अर्ली हार्वेस्टिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अपने को बहुत ज़्यादा लाभ देगी। इसका जैसे अर्ली हार्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ सीड, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड एंड मैन पावर। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड का मतलब है कि जैसे भी अपने पास जो सीड ड्राइंग की फैसिलिटी है तो अपने अर्ली हार्वेस्टिंग क्रॉप करने के बाद नेक्स्ट क्रॉप को सोइंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अपने लैंड का जो भी यूज होता है वो अच्छे आसानी से हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, जनरली अपने क्रॉप हार्वेस्ट जनरली 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अपने क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, अपने अगर 35% या इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो भी अपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सीड ड्राइंग की प्रोसेस हो, आपकी सीड ड्राइंग की आपकी जो भी इक्विपमेंट वगैरह है, तो अपने इसको 35% मॉइस्चर तक भी हार्वेस्ट क्रॉप को कर सकते हैं। तो अगला अपने स्टेज ऑफ मॉइस्चर एलिमिनेशन। आपको जैसा कि पता है कि अपने इसका मॉइस्चर डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं होता है। मॉइस्चर एलिमिनेट होने के लिए सबसे पहले मॉइस्चर क्या होता है, सीड सरफेस पर आता है। सीड सरफेस पर आने के पश्चात वो मॉइस्चर एलिमिनेट होता है। तो सबसे पहले जैसे कि मॉइस्चर इनर मॉइस्चर होता है वो आउटर सरफेस पर आएगा, उसके बाद में वो एलिमिनेट होगा। मॉइस्चर एलिमिनेशन के लिए अपने जनरली क्या होता है, टेम्परेचर जो भी होता है उसको भी मेंटेनेंस करना होता है। जितना ज़्यादा अपने सीड में मॉइस्चर होता है उतना अपने को लो टेम्परेचर इसमें मेंटेन रखना होता है, और जितना कम अपने इसका मॉइस्चर कंटेंट है उतना थोड़ा सा ज़्यादा इसका मॉइस्चर टेम्परेचर रखना होता है। सरफेस मॉइस्चर ऑफ द सीड इज इनिशियली रिमूव्ड बाय द ड्राइंग एयर। द रिमूव ऑफ द मॉइस्चर इन द सरफेस कजेस एन इम्बलेंस इन द मॉइस्चर कंटेंशन इन द सरफेस ऑफ द सीड एंड द इनर पोर्शन ऑफ द सीड व्हिच लीड्स टू द माइग्रेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द इनर ऑर्गन टू द सरफेस। कहने का मतलब इसमें जैसे अपने ये सीड है, इसमें जैसे अपने हॉट एयर से अपने पासेस करेंगे तो जो अपने सरफेस का मॉइस्चर होता है वो सबसे पहले एलिमिनेट होता है। उसके बाद जो इसमें एक पोटेंशियल है पैदा होगा, जिसकी वजह से अपने अंदर इनर जो मॉइस्चर है वो अपने सरफेस पर आएगा। सरफेस पर आने के बाद में वो धीरे धीरे रिमूव होता रहेगा। इसी तरह अगर हाई टेम्परेचर एक साथ देने के बाद में क्या होता है, तो अपने जो सरफेस है जो मॉइस्चर होता है वो एक साथ रिमूव हो जाता है, और ग्रेजुअल जो प्रोसेस लगातार प्रोसेस है इसमें समय नहीं लगने की वजह से अपने सीड वगैरह बर्निंग वगैरह की सिचुएशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन वगैरह भी हो जाते हैं, वोलेटाइलाइजेशन भी हो जाता है, और सीड अपने जल्दी खराब हो जाते हैं। The migration of moisture surface is slower than the evaporation and the moisture gradually is developed in the kernel. कहने का मतलब ये है जो सरफेस पर जो ये अपने सरफेस से मॉइस्चर इवेपोरेट होता है ये थोड़ा जल्दी होता है, जबकि माइग्रेशन ऑफ मॉइस्चर इनर टू सरफेस ये थोड़ा जल्दी होता है, ये थोड़ा स्लो होता है। इसके मतलब कहने का मतलब ये स्लो प्रोसेस है, ये थोड़ी तेज प्रोसेस है। इसकी वजह से जो इम्बलेंस पैदा होता है उसकी वजह अपने क्या है सीड में खराबी वगैरह आ जाती है, उसकी विगर वगैरह या उसकी जर्मिनेशन एम्ब्रियो उसका डैमेज होने का डर रहता है। एलिमिनेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सीड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। जो अपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रहा है और टेम्परेचर है उस पर ये डिपेंड करता है। अगर अपने एनवायरमेंट का मॉइस्चर एनवायरमेंट का रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ज़्यादा है तो मॉइस्चर क्या सीड में मॉइस्चर सीड मॉइस्चर ग्रहण करेगा। अगर ये अपने एनवायरमेंट की मॉइस्चर और जो अपने कम है तो अपने सीड क्या करेगा मॉइस्चर को निकालेगा अपने।
द रेट ऑफ ड्राइंग डिपेंड ऑन मेनी ऑन, जो अपने सीट को ड्राइंग की जो अपने दर होती है या कहने का मतलब होती है वो किस पर निर्भर करती है, इसका कहने का मतलब इनिशियल सीट मॉइस्चर कंटेंट, आपकी सीट में इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट कितना है उस पर डिपेंड करती है। जैसा आपको बताया था ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में भी आपको बताया था कि 17% मॉइस्चर होता है, अगर 17% से ज्यादा है तो उसको अपने प्री ड्राइंग करते हैं, ताकि कहने मतलब उससे थोड़ा सा लोअर मॉइस्चर अपने प्री ड्राइंग सेट ड्राइंग करते हैं, अपने पेड़ के टॉप के नीचे या उसको कवर करके सेट ड्राइंग की जाती है। उसके बाद में अपने इस मॉइस्चर जो सीड ड्रायर वगैरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्शन ड्राइंग एक्सपोज सीड को किया जाता है। साइज ऑफ द बीन एंड कैपेसिटी, जो अपने स्ट्रक्चर बनाई होती है अपने सीड के, जैसे बीन मतलब कहने का मतलब सीड स्ट्रक्चर होती है, इसमें अपने जैसे परफोरेटेड स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से होट एयर प्रवेश करवाई जाती है, यहाँ से बिखरवाई जाती है, तो ये कहने मतलब जो भी बीन का साइज है वो भी इस पर डिपेंड करता है, जितना छोटा साइज होगा उतना जल्दी सीड अपने ड्राई होगा। डेप्थ ऑफ स्प्रेड ऑफ सीड, सीड की गहराई भी इसको प्रभावित करती है, कितनी सीड की गहराई है, क्योंकि कहें यहाँ से पहले ये सीड सबसे पहले ड्राई जोन बनाएगा, ये ड्राइंग जोन होगा और ये वेट जोन होगा, तो ये तीन डिफरेंट जोन में अपने सीड डिवाइड हो जाता है, जो अपने सीड ये स्ट्रक्चर होती है। द रेट ऑफ एयर ब्लो, जो अपने होट एयर होती है ड्राई एयर जो भी अपने इसमें ब्लो की जाती है उसकी गति है उस पर दर पर भी निर्भर किया जाता है। एटमोस्फेरिक एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आरएच और टेम्परेचर, ये आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है सीड का उसमें जितना मतलब कम होगा अपने मॉइस्चर उतनी ज़्यादा एलिमिनेट होगा सीड से। स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे कि अपने जो सीड होता है तो वो एक है जैसे भी इसमें एयर प्रवेश करवाते हैं इसमें उसमें तो वो क्या है प्रेशर अपने डेवलप करता है, कहने का मतलब ये है कि जो अपने छोटे ग्रेन होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टैटिक प्रेशर डेवलप करते हैं, जो बड़े ग्रेन होते हैं जैसे ये बड़े ग्रेन होते हैं अपने इस प्रकार की उनके स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर जो स्पेस होता है यहाँ से एयर पर आपने आसानी से गुजर सकती है, तो इसका स्टैटिक प्रेशर क्या होगा लो होगा, और जो छोटे ग्रेन होती हैं उनकी स्पेस बहुत कम होता है अपने ग्रेन के बीच में, तो इसका स्टैटिक प्रेशर क्या होता है ज़्यादा होता है, तो स्टैटिक प्रेशर भी इसको प्रभावित करता है। एडवांटेज ऑफ सीड ड्राइंग, जैसा कि आपको बताया अर्ली हार्वेस्टिंग, अपने कोई भी क्रॉप है अपने अर्ली सीड ड्राइंग की फैसिलिटी है तो अपने इसकी अर्ली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अर्ली हार्वेस्टिंग यानी कहने के मतलब लैंड का पूरा यूटिलाइजेशन हो सकता है, जैसे भी अपने अभी अब वीट क्रॉप है इसकी वीट क्रॉप की हार्वेस्टिंग जैसे ही अपने होती है तो उससे पहले अपने कॉटन सोइंग स्टार्ट हो जाती है, तो अपने अगर सीड जो अपने ड्राइंग की फैसिलिटी है तो अपने क्रॉप को हार्वेस्ट करके अपने कॉटन सोइंग आसानी से कर सकते हैं, अर्ली कॉटन सोइंग कर सकते हैं, अर्ली रेडी भी अपने आसानी से लगा सकते हैं। लैंड का यूज इस्तेमाल आसानी से हो जाता है ग्रीन फोडर, कहने जो अपने जैसे अपने ग्रीन ग्राम है, ग्रीन ग्राम में अपने क्या करते हैं पोड पिकिंग करते हैं, तो पोड पिकिंग करने जिसमें अगर मॉइस्चर उसमें ज़्यादा है तो आसानी अपने सीड ड्राइंग की फैसिलिटी है तो अपने पोड पिकिंग कर लेंगे, और जो पीछे क्रास मटीरियल बचता है जो कंडीशन में है उसको अपने सोइल इनकॉर्पोरेट कर देंगे ताकि वो भी अपने हरी खाद के रूप में काम आ जाए। सेफ स्टोरेज ड्राइंग फैसिलिटी अपने को सेफ स्टोरेज है में मतलब सेफ स्टोरेज प्रदान करती है ताकि इसकी सीड वेबिलिटी और सीड विगर उसका मेंटेन रहे। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट, अगर सीड का मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो आपको मालूम है भी उसमें मोल्ड वगैरह डेवलप हो जाते हैं और रेस्पिरेशन रेट भी इनका ज़्यादा होता है, तो उस वजह से क्या होता है तो सीड में खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लो मैकेनिकल लॉस ऑफ सीड, और अपने अगर सीड ड्राइंग कर लेते हैं तो उसका मैकेनिकल जो उसकी ग्रेडिंग वगैरह अपने करते हैं तो उसमें भी उसके सीड के डैमेज होने की संभावना बहुत कम होती है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ये कब डेवलप होता है, जब जो सीड के अंदर ये कहने का मतलब सीड के अंदर इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट डेवलप होता है और इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में डेवलप होती है, तो आप कहने का मतलब है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ए सीड इज इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट व्हेन द रेट ऑफ मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द सीड टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज इक्वल, कहने का मतलब जो अपने एनवायरनमेंट का और सीड का मॉइस्चर दोनों इक्वल हो जाए तब उसमें मॉइस्चर लॉस की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल नए के बराबर होती है और बंद हो जाती है। जैसे ये इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ये मॉइस्चर सीड से इस तरफ जाएगा, अगर यहाँ पर इसकी कम हो जाएगी मतलब कहने का मतलब इसकी कम होगी तो सीड से जाएगा, अगर सीड की मॉइस्चर कंडीशन ज़्यादा है और एनवायरनमेंट भी कम है तो सीड से मॉइस्चर एलिमिनेट होगा, अगर एनवायरनमेंट की मॉइस्चर ज़्यादा है सीड से कम है तो अपने सीड क्या कर लेंगे एब्जॉर्ब कर लेंगे, कहने का मतलब ये है जैसे भी अपने बरसाती सीजन के सीड अपने वेट हो जाते हैं थोड़े से गीले वगैरह से हो जाते हैं तो वो यही प्रक्रिया होती है। ड्राइंग टेम्परेचर,
आपको जैसे बताया ग्रेटर द सीन मॉइस्चर कंटेंट लोजर शुड बी ड्राइंग टेम्परेचर वाइस वर्सा, कहने वाले 10% अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो अपने को 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल करना होगा, मतलब वेट जो ये एयर टेम्परेचर होता है 10 to 18% 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड और 18 to 30% में अपने क्या करते हैं 32.2 डिग्री ये सेंटीग्रेड है सेंटीग्रेड। तो जितना ज्यादा मतलब मॉइस्चर होगा उतने अपने टेम्परेचर लो रखेंगे और जितना मतलब कम टेम्परेचर मॉइस्चर होगा उतना टेम्परेचर अपने को हाई रखना होगा। आपको बताया था अभी जो ये अपने मॉइस्चर पोटेंशियल या अपना जिस कर्नेल होता है जो अपनी सीड का तो उसके खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। द रेट ऑफ ड्राइंग डिपेंड ऑन ये आपको बता दिया मेथड्स ऑफ ड्राइंग। अब अपने जनरली पढ़ेंगे क्या क्या मेथड इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला मेथड है फिजिकल ड्राइंग, नेचुरल ड्राइंग और रेडिएशन ड्राइंग। ये अपने आम मैंने लभी सभी लगभग घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला मेथड है जिसमें अपने क्या करते हैं सीड जो थ्रेसिंग फ्लोर वगैरह बनाए होते हैं उस पर सीड को स्प्रेड कर दिया जाता है, थिन लेयर बना दी जाती है सीड पर, पतली सी लेयर होती है ताकि सीड इक्वल अमाउंट में और इक्वल समय में ड्राई हो जाए। दूसरा मैकेनिकल और आर्टिफिशियल ड्राइंग, इसमें अपने बैच ड्रायर और कंटिन्यूस फ्लो ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी अलग अलग मेथड है जैसे आपने वैगन ड्रायर हो गया, बैग ड्रायर हो गया या बॉक्स ड्राइंग हो गई। इसमें कैसे भी आप जो भी इस्तेमाल करेंगे उसी का नाम दे दिया जाता है। बॉक्स ड्राइंग क्या होता है, बॉक्स बने होते हैं जिसमें होल बने होते हैं तो उसमें भी हॉट एयर अपने प्रवेश करवाई जाती है। फिजिकल ड्राइंग, नेचुरल ड्राइंग और ट्रेडिशनल ड्राइंग, ड्राइंग दो हार्वेस्ट को भी कैरीड आउट इन द फील्ड ऑफ थ्रेसिंग फ्लोर बाय रेडिएट एनर्जी ऑफ द सन, जो अपने सूर्य की जो रेडिएट एनर्जी है उसी का इस्तेमाल इसमें सन ड्राइंग में किया जाता है। अपने क्रॉप में जैसे जन 17% जगह मोस्ट किया जाता है तो उसको पहले प्री ड्राइंग है ट्रीटमेंट जिसको प्री ड्राइंग ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको शेड में आपको ड्राइंग की जाती है ताकि उसका मॉइस्चर जो है 17% से थोड़ा कम हो जाए ताकि ये क्यों किया जाता है डायरेक्ट अगर सन के प्रति एक्सपोज हो गई सीड और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है रेडिएट एनर्जी दोपहर के टाइम आपको मालूम है बहुत ज्यादा होती है तो उसमें आपको कर्नेल के डिटीरियरेट होने की संभावना ज्यादा या सीड के खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। टू अचीव यूनिफॉर्म ड्राइंग द सीड शुड बी स्प्रेड इन थिन लेयर, एक समान ड्राइंग अपने प्राप्त करने के लिए एक थिन लेयर यानी पतली सी एक परत सीड की बना दी जाती है और एक समान उसमें ड्राइंग प्रक्रिया होती है। हाई मॉइस्चर कंटेंट सीड बी मॉइस्चर कंटेंट मोर देन 17% शुड बी ड्राइड फर्स्ट अंडर शेड लाइट टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 17% एंड देन ड्राइड अंडर हैवी सन, यानी कि दोपहर 17% से अगर अपने कम अगर उसका मॉइस्चर कंटेंट है तभी अपने इसको डायरेक्ट सन ड्राइंग कर सकते हैं। सन ड्राइड सीड शुड बी नॉट बी अलाउड टू रिमेन ओपन इन द फ्लोर ड्यूरिंग नाइट, अगर नाइट में आपको मालूम है मॉइस्चर कंटेंट है अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का ज्यादा हो जाता है तो अपने सीड में क्या करे एब्जॉर्ब वापस मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, इस वजह से इसको रात के समय अपने सीड को खुला इसमें नहीं छोड़ते हैं। 2 to 4 days आर नीडेड टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट टू 10 to 12%, ये जो अपने सेफ स्टोरेज मॉइस्चर लगभग सीरियल्स का होता है तो इस स्टेज तक लाने के लिए अपने को 2 से 4 दिन की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट सनलाइट आल्सो कैन एडवर्सली इफेक्ट सीड जर्मिनेशन एबिलिटी टू हाई टेम्परेचर एंड अल्ट्रा कोल्ड हाइड्रेशन, कहने का मतलब डायरेक्ट सन इसमें इसको सीड की वायबिलिटी को भी प्रभावित करने सकती है, इसका भी ध्यान इसमें रखा जाता है। एडवांटेज इसका क्या है, इजी एंड चीप, बहुत आसान है, कोई भी इसको अपना सकता है, कोई भी इसको अपने फील्ड में इंस्टॉल कर सकता है। डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंडिचर और फ्यूल, फ्यूल की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई खर्चा इसका नहीं आता है। डिसएडवांटेज क्या है, रेट ऑफ ड्राइंग स्लो, इसकी जो ड्राइंग जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा 2 से 4 दिन लगते हैं, इस वजह से आपके जो इंसेक्ट वगैरह जो एनिमल्स वगैरह होते हैं बर्ड्स वगैरह होते हैं उनका भी नुकसान बहुत ज़्यादा, इंसेक्ट्स बर्ड्स एनिमल्स का नुकसान ज़्यादा और लार्ज फ्लोर एरिया भी इसमें ज़्यादा जो फ्लोर एरिया होता है उसकी भी आवश्यकता क्योंकि थिन लेयर के रूप में अपने इसको पतली लेयर बनाने के लिए ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। सन ड्राइंग के सन चेक्स और हॉट स्पॉट ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर टू टाइम टू टाइम, इसमें क्या होता है जनरली सीड के अपने जो अपने सीड की ये थिन लेयर होती है इसमें से डायरेक्ट जो ज़्यादा एक्सपोज होता है वो ऐसे स्पॉट से बन जाते हैं सीड में, ये भी इसमें एक समस्या रहती है। मैकेनिकल एडमिक्सचर जो अपने इसमें और भी जो मिलावट होती है वो इसमें मिलने का डर रहता है, हाई रिस्क जो अपने हैवी रेन वगैरह कई बार क्या मौसम खराब होने की वजह से इसमें भी सीड के खराब होने की संभावना रहती है। दूसरा मैकेनिकल ड्राइंग और आर्टिफिशियल ड्राइंग, फर्स्ट लेयर ड्राइंग, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है इसमें क्या होता है कि नेचुरल जो एक नेचुरल लेयर होती है उसको भी अपने फोर्स्ड डायरेक्टली इसमें सीड में ब्लॉक किया जाता है, जैसे कि आपको
जैसे अपने ये जो सीड गोडाउन बने होते हैं इनमें जैसे अपने ये सीड लोट है तो यहाँ पर जो भी अपने एयर ब्लो फैन का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन होते हैं, यहाँ पर एयर ब्लो फैन होते हैं, जो अपने बाहर की नेचुरल ड्राई जो एयर होती है उसको इस फैंस की मदद से अपने इस गोडाउन के अंदर प्रवेश करवाया जाता है और वहाँ से ये जो वेट जो एयर है वो वापस बाहर निकाल दी जाती है। इसका मतलब कहने का नेचुरल एयर को भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार क्या होता है जैसे एक फैन अलग टाइप के फैन आते हैं जिसमें यहाँ पर हीटर लगे होते हैं जो बिजली के विद्युत चलित होते हैं और यहाँ पर फैन लगा होता है, तो ये हीटर जैसे गर्म होते हैं, यहाँ से एयर आती है गर्म होकर यहाँ से क्रॉस करती है। दिस इज पॉसिबल ऑन ड्राई माउथ, कहने का मतलब जो जो ये नेचुरल अपने एयर को इसमें प्रवेश कराते हैं उसके लिए ड्राई माउथ की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन अपने जो हीटर हीट जनित जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसमें ऐसा इसमें आवश्यकता नहीं होती है। वेंटिलेटर्स फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ एयर, सर्कुलेशन जो भी सारे इक्विपमेंट होते हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, इसका रेट ऑफ जो इंस्टॉलेशन है वो भी ज़्यादा होता है। इसमें टू टाइप्स के ड्रायर इस्तेमाल किए, बैच ड्रायर एंड कंटिन्यूस फ्लो ड्रायर। बैच ड्रायर का मतलब है, बैच ड्रायर से आप क्या समझते हैं, जैसे कि एक जनरली बैच के अंदर जैसे आपके स्टूडेंट्स में कहने वाला 20 स्टूडेंट्स का बैच हो गया, 30 का बैच हो गया, इसमें स्मॉल क्वांटिटी के अंदर में सीड को ड्रायर किया जाता है। जैसे कहने मतलब 50 केजी या 50 क्विंटल सीड की एक क्वांटिटी उसको बैच के रूप में रिप्रेजेंट करके नेक्स्ट बैच को ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसमें पूरा ड्राइव होने के बाद दूसरे बैच को अपने सीड के लाया जाता है। In batch the relatively dry air is blown through a layer of seed until the seed is dried completely, after which is removed and replaced by another batch. पहला बैच जैसे अपने कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद अनदर बैच के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये बैच है ड्रायर का सिस्टम होता है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे सीड लॉस आल्सो कैन बी अवॉइडेड बाय ड्राइंग द टू स्टेज, आफ्टर द फर्स्ट बैच हैज पार्शियली ड्राइड द एमर्जिंग एयर इज पासड थ्रू ए सेकंड बैच हेल्ड इन अनदर चैम्बर। जो आपके जो आपका सीड पहला बैच है उसमें अगर पार्शियली ड्राई हो गया है उसमें से जो अपने एयर अपने क्रॉस कराई जाती है उसको अगर अपने डायरेक्ट दूसरे सील जो चैम्बर में अपना दूसरा बैच है उसमें प्रवेश करा दें, इससे अपने अवॉइड कर सकते हैं डायरेक्ट जो अपने सीड लॉस होता है। कंटिन्यूस फ्लो ड्राई, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे जनरली ये मिक्सिंग टाइप होता है, नॉन मिक्सिंग टाइप होता है। इसमें भी अपने इसमें कंटिन्यूसली इसमें बैच में जैसे इस प्रकार में पहले बैच को इंस्टॉल किया दूसरे बैच को लाया जाता है, पहले बैच को हटाया जाता है, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट ऐसे हॉट एयर ब्लो होती रहती है और अपने सीड इसमें से पास होते रहते हैं और सीड टूटते रहते हैं। इसमें मिक्सिंग टाइप में इसमें झिकझिक टाइप की आकृति होती है, ऐसे झिकझिक टाइप इसमें जैसे सीड ऐसे घूम फिर कर यहाँ पर ये हॉट एयर चैम्बर होता है, तो इस प्रकार होता है। नॉन मिक्सिंग टाइप में सीड डायरेक्ट है अपने साइड में कॉलम बने होते हैं, इस प्रकार का यंत्र होता है, इसमें हॉट एयर अपने हॉट एयर का चैम्बर होता है, यहाँ से सीड इंटर करवाए जाते हैं। एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल ड्राइंग, क्विक मेथड है, टाइमली है, यूनिफॉर्म ड्राइंग पॉसिबल है। इसके मतलब कहने का मतलब इसको रूफ जो अपनी होती है उसके अंदर में भी इंस्टॉल कर सकते, तो वेदर कंडीशन में इसको नहीं प्रभावित करती है। मैक्स अर्ली हार्वेस्ट पॉसिबल, अर्ली हार्वेस्ट उसमें आप आसानी से पॉसिबल कर सकते हैं 35% यहाँ तक 35% से अगर ज़्यादा तक आपका मॉइस्चर है, आप वो अगर लैंड में नेक्स्ट क्रॉप सोइंग या टाइम पीरियड है पीक पीरियड, तो आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। लॉसेस ड्यू टू रोडेंट्स एंड बर्ड्स आर प्रिवेंटेड, जैसे उसमें नेचुरल ड्राइंग में अपने जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनके जो नुकसान होता है वो इसमें जनरली अवॉइड हो सकता है। लेस डैमेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन, परमिट्स लॉन्ग टाइम स्टोरेज बाई प्रिवेंटिंग सन चेक्स एंड अदर डैमेज, मतलब जो सन से डायरेक्ट जो नुकसान होता है वो भी इसमें प्रिवेंट कर दिया जाता है। मतलब अपने कहने का मतलब ये अपने देख रेख में होता है, जो अपने हॉट एयर टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है कितना क्या करना है वो अपने सारा अपने देख रेख में होता है और अपने द्वारा ही होता है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, हानियाँ भी हैं, इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के, फ्यूल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्यूल है इसमें भी लगता है, जैसे जो एयर ब्लोअर है उसका इस्तेमाल किया जाता है तो फ्यूल द्वारा भी चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलते हैं। इट प्रोड्यूस पॉसिबल फायर डर, कई बार जब आग वगैरह लगने की इसमें बैर जो डर रहता है वो ज़्यादा रहता है, इसमें भी इसमें कंट्रोलर लगे होते हैं। कई बार क्या होता है जैसे भी अपना जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो कई बार क्या क्लोज होने जाने की वजह से हीट जनरेट होती है, सीढ़ी में आग लगने का डर रहता है। कंसिडरेबल सुपरविजन इज नेसेसरी, इसमें जो सावधानी है वो जो अपने कह सकते हैं वेल गाइडेड पर्सन की आवश्यकता होती है, कैसे उसमें मॉइस्चर कितना कंटेन रखना है, वोट एयर कितने टेम्परेचर कितना रखना है, सारा कुछ इसमें आवश्यकता उसकी रहती है। तो फिलहाल ये सारा कंक्लूजन है अपने जो इस टॉपिक को पढ़ा,
बहुत सिंपल टॉपिक है सीड ड्रॉइंग क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने को सीड को सेफ करके रख सके, मेंटेन रखना ताकि उसकी वेयरबिलिटी और विगर है वो बना रहे, जर्मिनेशन उसकी जो जर्मिनेशन क्वालिटी है वो भी बना रहे। तो आपको सीड जो सीड का कोर्स है अगला नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे सीड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, ये भी सीड प्रोसेसिंग का एक भाग है। थैंक यू स्टूडेंट्स।